भारत के इतिहास का आज एक ऐसा दिन है जिसे कांग्रेस कभी याद करना नहीं चाहेगी और कांग्रेस के लिए ऐसा धब्बा है जो उसे हर साल झेलना पड़ता है। दरअसल आज आपातकाल की बरसी है। 46 साल पहले आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। आपातकाल को भारत के इतिहास में काले दिनों के तौर पर याद किया जाता है। बीजेपी हर साल आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर वार करती है। पीएम मोदी ने आज इमरजेंसी की बरसी पर आपातकाल के उन काले दिनों को याद किया। पीएम ने इसके साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपातकाल के उन काले दिनों को भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचला। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि आपातकाल के काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 1975 से 1977 के दौरान हमारे देश ने देखा कि किस तरह से संस्थाओं का विध्वंस किया गया। इसके अलावा एक दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने बीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक शेयर किया। इस पोस्ट में तस्वीरों के जरिए ये बताया गया है कि कैसे आपातकाल के दौरान गुरुदत्त की फिल्मों और किशोर कुमार के गाने तक बैन कर दिए गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचला। हम उन सभी महानुभावों को याद करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने भी ट्वीट कर आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस बताया। उन्होंने कहा कि 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने सत्ता के स्वार्थ व अहंकार में देश पर आपातकाल थोपकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी। इसके अलावा भी बीजेपी के कई नेताओं ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।